तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो शेल्टर। तो दोस्तों, किया सेल्टोस जो है इंडिया की एक बढ़िया सी एसयूवी है, और इस एसयूवी ने जो है अपनी कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने को जो है बाकी कंपनियों को जो है मजबूर कर दिया था। गाड़ी जो है बहुत ही बड़े से फीचर्स के साथ आती है और बहुत ही एडवांस लुक्स के साथ जो है गाड़ी आती है, और कंपनी जो है गाड़ी में बहुत से अपडेट्स भी देती रहती है। लेकिन दोस्तों, अभी जो है इस गाड़ी में हमको फेसलिफ्ट देखने को मिलने वाला है जल्दी ही, और गाड़ी की जो वर्ल्ड इमेजेस है वो कुछ हमको यहाँ पर लीक हुई दिख रही है। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के बारे में कि इस गाड़ी की जो लुक्स है वो हमको कैसी देखने को मिलने वाली है। बात करें इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में तो DRL की जो पोजीशन है वो हमको ऊपर मिलती थी, अभी उसको नीचे किया गया है। और हेडलैम्प जो है वो हमको नॉमिनल से ही मिलते हैं, जो कि हमको पुरानी सेल्टोस में देखने को मिले हैं। लेकिन ग्रिल का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सा बनाया गया है, और हमको स्किड प्लेट वगैरह जो है वो भी हमको थोड़ी चेंज देखने को मिलती है। बाकी हमको नीचे जो है आइस क्यूब फॉग लैंप्स वगैरह जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा स्टैनिंग सी बनाई गई है। बात करें गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में तो टेल लैम्प का जो पैटर्न है वो हमको यहाँ पर चेंज देखने को मिलने वाला है, और इसमें हमको जो है कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। फुल्ली LED हमको जो है इसमें टेल लैम्प देखने को मिलने वाले हैं, और नीचे की जो रिवर्सिंग लाइट वगैरह है वो भी बहुत ही यूनिक से पैटर्न के साथ डिज़ाइन की गई है। और दोस्तों, गाड़ी का जो रियर बम्पर है वो भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर बनाया गया है, और गाड़ी जो है थोड़ी हमको ऐसे उठी उठी सी नज़र आती है। तो दोस्तों, फ्रंट लुक के साथ साथ गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल है वो भी ज़्यादा मैसिवली डिज़ाइन की गई है, और गाड़ी जो है बहुत ही बल्की और स्पोर्टियर भी फील हो रही है। दोस्तों, बात करें गाड़ी की सर प्रोफाइल के बारे में तो इसमें हमको जो डुअल टोन कलर्स वगैरह मिलने ही वाले हैं, और गाड़ी की जो शेप है वो हमको साइड से ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है पुरानी किया सेल्टोस से। लेकिन दोस्तों, जो अलॉय व्हील्स है वो बहुत ज़्यादा स्टनिंगली डिज़ाइन किए गए हैं, और इनका जो पैटर्न है हमको बहुत ही ज़्यादा यूनिक देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करें गाड़ी के इंटीरियर इमेजेस के बारे में तो गाड़ी में हमको जो है ड्यूअल कनेक्टेड स्क्रीन्स देखने को मिलने वाली है, जैसे कि हमको XUV700 में जो है देखने को मिली थी। और गाड़ी का जो इंटीरियर है उसमें भी हमको छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसा जो थोड़ा डैशबोर्ड है हमको चेंज देखने को मिलने वाला है, और गाड़ी की जो इंजन ऑप्शंस वगैरह है वो कैसे होंगे वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो दोस्तों, हम इमेजेस में देख ही सकते हैं किया सेल्टोस का जो फेसलिफ्ट है वो रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्टनिंग सा लगता है, और ये जो गाड़ी है जल्दी इंडिया में भी आने वाली है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है किया सेल्टोस के फेसलिफ्ट के बारे में और उसके रियल इमेजेस के बारे में, हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।